नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और अगर आप भी टैटू बनवाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 4 साल में 68 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव पाई गई हैं। इन 68 महिलाओं में 20 वो महिलाएं हैं जिनमें संक्रमण की वजह शरीर पर गुदवाया गया टैटू माना गया है। एचआईवी पॉजिटिव पाई गई इन महिलाओं ने सड़क किनारे टैटू बनाने वाले लोगों से टैटू बनवाया था। इसके बाद ही तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और एचआईवी के लक्षण नजर आए। गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल की एचआईवी काउंसलर उमा सिंह का कहना है कि हर साल 15 से 20 महिलाएं एचआईवी संक्रमित मिल रही हैं, जिसके बाद काउंसलिंग की जाती है। इसी काउंसलिंग में पता चला कि 4 साल में संक्रमित मिली 68 में से 20 में संक्रमण की वजह सड़क किनारे टैटू बनवाना है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टैटू बनवाने से संक्रमण नहीं होता है। एचआईवी संक्रमण की प्रमुख वजहों में असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई का प्रयोग होना प्रमुख है। आशंका है कि किसी संक्रमित सुई से एचआईवी संक्रमित का टैटू बनाया गया होगा और उसी से किसी और का भी टैटू बना दिया गया होगा, संक्रमण का खतरा रहता है। इन सभी मामलों में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अगर एक टैटू बनाने के बाद उस सुई का इस्तेमाल ना किया जाए तो संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शैफाली अग्रवाल की माने तो टैटू बनाने वालों को प्रत्येक टैटू के लिए अलग अलग नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए। टैटू बनवाने में संक्रमण की संभावना 0.3% ही है, लेकिन यदि निडिल किसी एचआईवी संक्रमित के खून के संपर्क में आई है तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमण का खतरा रहता है। गाजियाबाद डफरिन की सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा का कहना है कि एचआईवी और हेपेटाइटिस बीमारी फैलने की वजह ट्रांसफ्यूजन है। संक्रमित रक्त के संपर्क में आने और संक्रमित इंजेक्शन के साझा इस्तेमाल से भी फैलता है। संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।